नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने जल कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ में पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। आयुक्त ने वार्ड वासियों से भी चर्चा की और व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने अधिकारियों को दिए निर्देश। शहर की पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा लगातार विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुक्त शनिवार सुबह 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड जल कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंचे। यहां उन्होंने पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया, पानी भर रही क्षेत्र की महिलाओं से पेयजल व्यवस्था को लेकर जानकारी ली, पानी के प्रेशर को भी देखा। क्षेत्र के लोगों ने निगम आयुक्त को पेयजल सप्लाई को लेकर जानकारी देने के साथ समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। आयुक्त महोदय ने पानी की समस्या को लेकर जो है वार्ड क्षेत्रों का दौरा किया है। इसमें 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। वहां पर पहले पानी की समस्या बहुत थी और जब से विद्युत कटौती 1 घंटा की जा रही है, पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ा है और सभी घरों में पर्याप्त पानी मिल रहा है। उन्होंने सबसे मैक्सिमम महिलाओं से और पुरुषों से वहाँ पे जो रहवासी उनसे फीडबैक लिया है। इसके पश्चात तो आयुक्त महोदय जो है बैकुंठ धाम के पास पहुँचे और वहाँ पर कभी उन्होंने निरीक्षण किया। कुछ स्थानों पर पाया कि घरों के जो नल लगे हुए हैं उसमें कई नलों में टोटी नहीं है। उन्होंने जो वहाँ के रहवासी हैं जिनके घर में नल लगे हुए हैं इस प्रकार से, उनको कहा कि आप टोटी लगा लें और जो पानी की है वो उसकी बर्बादी ना हो, यदि आवश्यकता जितनी है उतना उपयोग करें और उसके बाद जो टोटी है उसके माध्यम से नलों को बंद कर दें ताकि अन्य स्थानों पे जो पानी का प्रेशर वो पर्याप्त मात्रा में पहुँचे। दूसरा, इसमें जो टुल्लू पंप से पानी खींचने की जो बात आई है कुछ कि जो पानी विद्युत कटौती के दौरान जो है टुल्लू पंप का उपयोग तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पश्चात यदि पाइपलाइन में पानी बची हुई है उससे यदि टुल्लू पंप से पानी जब विद्युत आता है उसके बाद खींचा जाता है तो उस पर जो है कार्रवाई करने के निर्देश जो है आयुक्त महोदय ने दिए हैं कि ऐसे टुल्लू पंप को जब्ती करें। बहरहाल सुबह 1 घंटे बिजली बंद किए जाने की वजह से पानी चोरी की घटनाओं पर विराम लगा है और प्रत्येक घर तक पानी पहुंचने लगा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।